तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप अपने सेटिंग्स में लगा रखे हैं लॉक और वो लॉक आपको उसका पासवर्ड पता नहीं है तो आप उसे नहीं खोल पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेटिंग्स में लॉक लगा है तो आप उस ऐप लॉक को कैसे खोल पाएंगे। एक बात इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया है कि आपको बिना कोई डाटा डिलीट किए ही मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको लॉक कैसे तोड़ना है। मैं अपने YouTube चैनल पे काफ़ी ढेर सारी वीडियो इसके रिगार्डिंग लेके आ चुका हूँ, लेकिन उन सभी में फ़ोन को रीसेट करने पर आपका डाटा जो है वो डिलीट हो जाता था। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि बिना फ़ोन को रीसेट किए और बिना डाटा को डिलीट किए आपको फ़ोन का ऐप लॉक कैसे तोड़ना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपको फ़ोन के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं यहाँ से ऐप लॉक डाल रहा हूँ लेकिन ये लॉक नहीं खुल रहा है। तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड बहुत बार टाइप करना है। जितना बार आप रॉन्ग पासवर्ड टाइप करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। सो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप बहुत ज़्यादा रॉन्ग पासवर्ड टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा, जहाँ से आपको एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जिसका नाम है फॉरगेट पासवर्ड का। तो ये ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। ये इनेबल तभी होगा जब आप अपना ऐप लॉक को गलत टाइप करोगे। तो देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे इनेबल हो चुका है, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आपके सामने तभी आएगा जब आप अपने फ़ोन में MI अकाउंट लॉक लगा रखे होंगे। अगर आपने MI अकाउंट लॉक नहीं लगा रखा है तब तो आपको फ़ोन को रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये ऑप्शन आ चुका है, तो मैं इसमें MI अकाउंट लॉक लगा रखा हूँ इसीलिए हमारा ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा MI अकाउंट का पासवर्ड मुझे मालूम है, तो मैं यहाँ से अपना MI अकाउंट का पासवर्ड को डाल लेता हूँ। उसके बाद हमारा फ़ोन का लॉक जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ से मैं अपना MI का अकाउंट लॉक का पासवर्ड डाल लिया हूँ। इसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका MI अकाउंट का भी पासवर्ड नहीं मालूम है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपको अपना MI अकाउंट का पासवर्ड अपने फ़ोन नंबर पे मंगवा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो पासवर्ड डाल देना है। तो आपको इसी तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए चेकिंग पासवर्ड हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए, जब चेकिंग पासवर्ड हो जाए तो आपके सामने डायरेक्ट इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा कि कनेक्ट एटलीस्ट, मतलब कि 4 डॉट आपको क्रिएट करना है पैटर्न लॉक, यानी कि फिर से नया सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ से एक पासवर्ड को सेट करते हैं। तो मैंने इस तरह से पासवर्ड को सेट कर लिया। यहाँ पे देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे न्यू अनलॉक पैटर्न, तो ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए सेटिंग्स का लॉक को अब हम खोल के देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसे ऐसे चेंज किया है। तो देखिए हमारा ये लॉक जो है वो खुल चुका है। सो यार, इसमें मैं अपना डाटा को भी डिलीट नहीं किया, आप देख सकते हो, और ना ही मैं अपने फ़ोन को रीसेट किया, और हमारा फ़ोन का लॉक जो है वो खुल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ये सेटिंग्स में जो लॉक लगा था वो लॉक खुल चुका है। मैं आपको फिर से एक बार फ़ोन को लॉक करके सेटिंग्स को अनलॉक करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, ये मेरा फ़ोन का लॉक है और ये मेरा सेटिंग्स का लॉक है। तो सेटिंग्स का लॉक मैंने अभी आपको बताया कि कैसे खोलना है। सो यहाँ पे देखिए हमारा लॉक अब अनलॉक हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपके भी फ़ोन में लगा है सेटिंग्स में ऐप लॉक, तो आप इस तरह से बिना फ़ोन को हार्ड रीसेट किए और बिना डाटा को डिलीट किए अपने सेटिंग्स का ऐप लॉक को काफ़ी आसानी से खोल सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए रोजाना इस तरह का कुछ नए ट्रिक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कुछ ही मिनटों बाद आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। सो मिलते हैं हम अपने आज के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।